हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो को लेके। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप पबजी मोबाइल में जो दीवार होती है, दीवार के आर पार जो है ग्रेनेड या स्मोक जो है फेंक सकते हो। तो ये एक ग्लिच है जिसकी मदद से आप पबजी मोबाइल में ग्रेनेड को दीवार के आर पार फेंक सकते हो बहुत ही आसानी के साथ, और इनिमिक का किल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रिक को वर्क करने के लिए आपको क्या करना है, दीवार के पास आ जाना है, ग्रेनेड को क्लिक करना है या स्मोक को, मैं पहले स्मोक कर रहा हूँ, और जो जो स्टिक होती है उसको आगे की तरफ करके रख देना है। तो आप साइड में देख सकते हो लेफ्ट साइड, तो इसको आगे की तरफ करके रखना है, और आपको स्मोक को लो टोस पे रख देना है। रखने के बाद आपको सिंपली इसको फेंक देना है। फेंकने के बाद आप जहाँ पे देख सकते हो जो स्मोक है दीवार के आर पार चला गया है, आप जहाँ पे साइड पे देख सकते हो जो स्मोक है दीवार के उस साइड हो रहा है, तो आप जहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको ग्रेनेड करके भी दिखाऊंगा कि ग्रेनेड कैसे फेंकते हैं, ग्रेनेड को भी इसी तरीके से आपको फेंकना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको ग्रेनेड को भी लो टोस पे रखना है। लो टोस पे रखने के बाद आपको उसको फेंक देना है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। जिस तरीके से पहली वाली ट्रिक जो है हमने वर्क की थी उसी तरीके से ये वाली भी हो रही है। आपने देखा कि ग्रेनेड जो है दीवार के आर पार हो गया है, तो इसी तरीके से आप किसी भी ग्रेनेड को आर पार कर सकते हो, और ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। लास्ट सर्कल में अगर कोई एनिमी दूसरी साइड बैठा है तो आप ऐसे ही करके उस पर ग्रेनेड जो है फेंक सकते हो, और आप जहाँ पर देख सकते हो जो स्मोक है वो भी दूसरी साइड आ गया है। और इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ जो है पबजी मोबाइल में चिकन डिनर कर सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।